की जो अपेक्षा है वो सरकार की ओर से अब खत्म हो चुकी है। उनकी अपेक्षा बनी है भारतीय जनता पार्टी से, उनके मंत्री रस्ते पे दिखने चाहिए, वो सब खुद क्वारंटाइन हो गए हैं, घर में बैठे हैं और जनता को वेंटिलेटर पे डाल दिया है। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, तो एक तरफ एक्स चीफ मिनिस्टर परफॉर्म कर सकता है लेकिन करंट चीफ मिनिस्टर घर में बैठा है, ये बहुत ही गलत है। हम एक ही काम करेंगे कि युवा जिस तालुका का हो, जिस जिला का हो, उसके साथ में उसके कंधे से कंधा लगाकर हम खड़े होंगे, उसका विषय सुनेंगे और उसको न्याय देने का प्रयास करेंगे। सर, 3-4 रैपिड क्वेश्चंस हैं, आपको सबसे किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? गुस्सा आता है जब युवाओं का अन्याय, युवाओं पे अन्याय होता है। गुस्सा आता है जब विद्यार्थियों का शोषण होता है, वो फीस का हो, डोनेशन का विषय हो या अनेक विषय, उनके कास्ट के दाखिले हो, अनेक प्रकार के दाखिले हो, जब सरकारी यंत्रणा उनको कोऑपरेट नहीं करती और युवा जो देश का भविष्य है उनको फॉर ग्रांटेड लेकर उनको दबाने का काम होता है, इस बात का बड़ा गुस्सा। सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? खुशी तब होती है जब युवाओं को कुछ अलग करते हुए देखते हैं, जब समाज में काम करने वाला युवा जो एकाध विषय को अलग ढंग से देखता है, जब हम एक चीज को बहुत बड़ी सामान्य और तरीके से देखते हैं लेकिन दूसरा युवा आता है और उसमें कुछ यूनिक ढूंढता है, कुछ अभिनव करने का प्रयास करता है और उसको सपोर्ट मिलकर उस युवा के माध्यम से एक एक बड़ा रूप खड़ा होता है, और वही युवा जब कुछ बाहर जाकर भारत के राज्यों में, बाहर के देश में, बाहर के सब प्रीमाइसिस में कुछ बढ़िया करता है, तो ऐसे युवा को खड़े होते देख बहुत अच्छा लगता है। टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या है? टेक्नोलॉजी ये बहुत बड़ी आज की देन है, जैसे संघर्ष करना, काम करना प्रैक्टिकली ज़रूरी है, उसके साथ टेक्नोलॉजी की जोड़ उसको ना रहे तो आज के तारीख में हम दूर तक नहीं पहुंच सकते। हमको दायरे तोड़कर हम जैसे छोटी चीज़ें हमारे विभाग में कर सकते हैं लेकिन उस चीज़ को, उन अच्छी चीज़ों को अगर दूर तक पहुँचाना है तो टेक्नोलॉजी की साथ लेनी होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी ये दुधारी शस्त्र है। टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से यूज़ किए तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर गलत तरीके से यूज़ हुआ तो एक विध्वंसक चीज़ भी हो सकती है। मुझे लगता है इसका कॉम्बिनेशन करके यूज़ करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपके राजनीतिक गुरु? राजनीतिक गुरु पिताजी है मेरे, महाराष्ट्र में जो नेता है, जो सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, सम्माननीय हमारे चंद्रकांत दादाजी पाटिल, सम्माननीय विजयराव जी पुरानी, संपूर्ण महाराष्ट्र के जो मेरे अध्यक्ष रहे, जो एक्स अध्यक्ष थे वो सभी अध्यक्ष, और जिनके साथ मैं काम कर पाया, जो मेरे नेता है जिन्होंने हर समय में मुझे हर अलग अलग नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, वो सभी नेता और मेरे महाराष्ट्र भर में जो कार्यकर्ता है जिन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें उनके मुझे सिखाई, उनके विभाग की चीज़ें सिखाई, इसके लिए गुरु ये अलग अलग पैमाने पे तोलने होंगे। जैसे राजनीति में मार्गदर्शन करते हैं वो गुरु तो है, लेकिन जो कार्यकर्ता है जो उनके समस्याओं से कुछ सिखाते हैं, उन्होंने कुछ काम किया उससे कुछ सिखाते हैं, तो ये इन सभी को मैं गुरु मानता हूँ और मुझे चीज़ें समझने में बहुत अच्छा लगता है। इंस्टेड ऑफ मैं बताता रहूँ उससे अच्छा कुछ चीज़ें मैं समझ सकूँ, तो इसीलिए मैं हर चीज़ में किसी ना किसी को गुरु मानने का प्रयास करता हूँ। सबसे बेहतरीन जो फूड है वो क्या है, आपको जो खाने में अच्छा लगता है? बेहतरीन फूड महाराष्ट्रियन फूड घर में है तो कभी भाकरी रहे, ज्वारी की भाकरी रहे या चटनी रहे, शेंगदाने की चटनी रहे, और नॉर्मल फूड जो है वो बहुत अच्छा लगता है, नॉनवेज हो तभी भी उसमें आनंद आता है, लेकिन बहुत ही नॉर्मल होमली फूड ये बहुत अच्छा है, बाहर का खाना ये प्रेफर नहीं करता। परिवार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? परिवार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कुछ मैं कर पाता हूँ तो परिवार का अगर बैकअप ना रहे तो ये करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आज युवा अवस्था में मैंने जैसे आपको बताया कि उम्र की 16 साल तब से मैं जब इस सब चीज़ों में आया हूँ, जब मेरे परिवार को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उनके शायद मैं इच्छा आकांक्षा पूरी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समाज के लिए खुद को समर्पित कर रहा हूँ, सेवा कार्य में खुद को समर्पित कर रहा हूँ, ये मुझे सेटिस्फैक्शन ज़रूर है, लेकिन उसी समय में मेरे फैमिली परिवार के ऊपर शायद से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इस बात का दुख भी ज़रूर है। वो बैकअप दे रहे, वो साथ में पीछे खड़े हैं, इसलिए ये कर पा रहा हूँ। मेरे पिताजी हो, मेरी माताजी हो, इन्होंने हमेशा इस विषय में आशीर्वाद दिए, मेरी पत्नी हो जिसको मैं शायद उतना समय नहीं दे पाता हूँ, मेरी बच्ची है उसको मैं शायद उतना समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ की कंप्लेंट नहीं की, हर चीज़ में मुझे एक तारीफ की, हर चीज़ में मुझे सही कहा, मुझे ताकत दी और गलत हूँ वहाँ पे गलत भी बताया, तो ये कॉम्बिनेशन परिवार ने दिया इसलिए मैं ये काम कर पा रहा हूँ, और यही उनका आशीर्वाद, यही प्रेम हमेशा मिलता रहेगा, यही प्रार्थना है। ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाए और पूछें कि विक्रांत पाटिल जी मांगिए आपको क्या मांगना थी, एक चीज़ आप क्या मांगेंगे उनसे? यदि ईश्वर मेरे सामने प्रकट हो जाए
तो उससे मैं ये चीज़ मांगूंगा कि जो मेरी क्षमता है वो क्षमता बरकरार रहे, बढ़ती जाए। मुझे, मैंने जो प्रण लिया है, मैंने जो खुद को समर्पित करने का एक भाव दिल में थाम रखा है कि इस महाराष्ट्र में मुझे जो संधि प्राप्त हुई है उस माध्यम से मैं महाराष्ट्र के युवाओं का कल्याण करूं, तो ये मेरे मन की जो भावना है वो भावना ऐसी ही बरकरार रहे, मुझे शक्ति मिले और इस शक्ति के माध्यम से मेरे हाथों से ये अच्छा कार्य प्राप्त ये होते जाए और यही सब चीज़ें, ये शक्ति मुझे प्राप्त हो, ये ईश्वर से जरूर मांगना। एक दिन का सर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप महाराष्ट्र के लिए क्या ऐसा करेंगे जो उसका गौरव बढ़ा दे? जी, एक दिन का मुख्यमंत्री बने मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर बनाया जाए तो एक दिन में सारी चीज़ें करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम इस सिस्टम को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। हम चाहकर भी 5 साल में भी कुछ चीज़ें करनी पूरी पॉसिबल नहीं होती, मगर एक दिन में हम उसको लाइनअप ज़रूर कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट्स होल्ड पे है उसको हम आगे कर सकते हैं और युवाओं के लिए कुछ करना चाहेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर कुछ एक दिन में हम एकाध जीआर ऐसा निकाल पाए जिसमें डोनेशन का विषय खत्म हो जाए, युवाओं को इजीली एडमिशंस का विषय हो जाए और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है जिसमें प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पे है, गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज अगर अच्छे तरीके से चलाए जाए तो प्राइवेटाइजेशन और उनके जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो सके, तो उनको अच्छे पैमाने पे विद क्वालिटी, विद गुड टीचर्स, विद गुड ट्रेनिंग टू टीचर्स, इसके साथ चलाने के लिए कुछ अच्छा डिसीजन अगर मैं कर पाऊँ तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूँ। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।